अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों, सब का क्या हाल है? अल्लाह के रहम करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बहन भाई चैनल पर न्यू है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो जैसा कि चंद रोज़ पहले की खबर है कि दुआ ज़ारा जो कराची के इलाके से गायब हुई थी, ठीक है, तो लाहौर से दुआ ज़ारा को बाजियाब करवा लिया गया है, ठीक है। तो बाकायदा उसका निकाह नामा भी मिल गया है। जो निकाह नामे पर नाम वगैरह लिखा हुआ है, पिक्चर वगैरह लगी हुई है, वो दुआ ज़ारा ही है, ठीक है। दुआ ज़ारा की जो उम्र बताई जा रही है बे फार्म के मुताबिक, वो उसकी मतलब निकाह नामे की उम्र नहीं है, 14 से 15 साल बताई जा रही है। अभी मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, ये तो अब मतलब शाम तक पता चलेगा या थोड़ी देर में मतलब किसी न किसी चैनल पे दुआ ज़ारा का इंटरव्यू भी आ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन जो दुआ ज़ारा है वो लाहौर के इलाके से बाजियाब करवा ली गई है, और जिससे निकाह उसका हुआ है उसका नाम जो बताया जा रहा है उसका नाम है ज़हीर, ठीक हो गया। सबसे जो अहम बात है, आप बहन भाइयों ने भी देखी होंगी न्यूज़ चल रही हैं, ठीक है, मतलब लड़की बरामद हो गई है। लड़की की जो उम्र है वो कम बताई जा रही है, मतलब उसके बे फार्म के मुताबिक उसकी उम्र कम बताई जा रही है। जो निकाह फिर करवाने वाला है उसका भी फिर मौलवी का भी फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा, आप क्या कहते हैं, क्योंकि कानून तो फिर वो करेगा जो कानून का दायरा होगा, ठीक हो गया। तो अल्लाह का करम हुआ है दुआ ज़ारा मिल गई है, हम तो अल्लाह से लाख लाख दुआएं करते हैं, ठीक है, कि अल्लाह पाक उस बच्ची को सही सलामत अपने माँ बाप के पास पहुँचा दे, ठीक हो। आप बहन भाई भी दुआ कीजिएगा ढेर ढेर खैर व खैरियत से पहुँचाए। अभी मतलब शाम तक चेहरे सामने आएंगे, जिससे निकाह हुआ है उसका भी पता चल जाएगा। तो दुआ ज़ारा का भी इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला जल्द आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो मतलब मुनासिब तो नहीं होगी इधर लगाने, क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, फिर भी अगर किसी व्हाट्सएप पे वीडियो आ गई तो आप बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।